मालवीय नगर के रहने वाले हैं ना? अच्छा, हाँ, ये मालवीय नगर के ही वही की एक वही लोकल हैं। लड़का मेरे ख्याल में न्यूज में काम कर रहा है ना, मुझे वीडियो बनाई हाँ, वो मतलब ऐसे यूट्यूबर टाइप का है, तो उसने बाबा को मतलब सेटिंग करके किया है। तो ये जो लड़के बाबा के ढाबे पे खड़े होते हैं, किसके लड़के होते हैं? ये उसी में खड़े कर रखे हैं ना, तीन अच्छा, वो चार लड़के। हाँ यूट्यूबर ने। और क्या, और बाबा रहता कहाँ पर है वो? पापा वही रहता है, जगदम्बा कैंप है ना, सुखी है वहां। अच्छा, वाह, वही 500 मीटर की दूरी पे सुखी है ना, मालवीय नगर में वही रहता है। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही गलत हो रहा है ना, आदमी को मूर्ख बना के आप पैसा जो मतलब दूसरे का कमा रहे हो ना, ये सारे मिल के ना, ये इन्हीं का किया धरा है। पूरा पूरा तो कल मैं ऐसा करता हूँ, कल आप कितने बजे तक फ्री होगे कि आप 10-15 मिनट अपना दो, आपसे भी बात करेंगे, समझ गए? और इनका थोड़ा बोल पट्टी ना दुनिया के सामने लाते हैं। ना, ठीक है। और क्या मतलब, क्या है कि तो गलत तो चलो हो गया, जनता पीछे ही पड़ रही है, पागल हो रहे हैं, पागल खा रहे हो क्या है। और बता, वो कोई गरीब आदमी है, चलो उसको दो। जो आदमी मार्केट में बैठा है, तो उसके पास MCT की फैन बजा रही है, और अपनी यूपी है, फ्री रह रहा है, कोई ऐसी दिक्कत थोड़ी है। तो क्या है कि तुम पता है कि हर आदमी परेशान तो है ही, लॉकडाउन में खेत बिल्कुल। इतना परेशान भी नहीं है, कहाँ से आ जाते हैं। ये सारी कहानी है, उसकी सारा षड्यंत्र उसी का रचा हुआ है लड़के का, लड़के का। और वो मीडिया वाले डेढ़ साल हो गई है जो आराम वहां कर रहा है। ये कहानी है, देखो कुछ मीडिया की भी है, मीडिया जो आ रही है वो यही नहीं कह रही, एक ही आदमी के लल सुन रही है ना। और भी तो कम से कम मार्केट में भी तो घूमो, तुम तो वास्तव में ये कहानी है क्या। अभी थोड़े एक आदमी ने वहां आकर के वो वीडियो बना दी, और तुम जितने भी चैनल वाले आ रहे हो, यूट्यूब वाले आ रहे हो, उसको तुम फैला रहे हो बात को। अरे कम से कम जो सच्चाई है वो चीज होनी चाहिए। इससे और ये तो रुपया है, इससे रुपया पैसे बेचारे परेशान है लोग, दिल्ली में जिसका मकान है, जिसकी दुकान है गवर्नमेंट की, वो किस चीज का भोगा भाई। ये लोग तो बेचारे बाबा मकान बाबा में का सो रहे। मकान ना खुद का मकान दिए? बाबूजी बाबा का झुग्गी है 3 मंजिल, यार और क्या चाहिए बताओ तुम्हें। और पैसा तीन उसका अकाउंट देखो, बैकग्राउंड देखो ना उसके, पुराने अकाउंट को देखो तुम, इस काम के पहले उसके अकाउंट देखो ना। ये कहा आपने वीडियो भी देखी होगी, इसकी वीडियो जो वायरल करी, उसमें ये लिखा बाबा तो इतना गरीब है, इसके पास तो मोबाइल भी नहीं है, ऐसा कुछ उसमें आ रहा कहने वो। ये कहानी है, तो ये कि अब जनता है तेरा। अरे यार, बगल में आकर के बेचारे बूढ़े बूढ़े बैठे हैं, उनको 10 रुपए कोई नहीं दे रहा, इसके मार्केट में दुकान है। ये सारी बात है, तो बात कल ये है ना, तो जी बात ये है ना, अब सच्चाई तो कोई जान नहीं रहा। चलो मीडिया का देखो काम है, मीडिया कम से कम, मीडिया का मतलब है सबकी सुनो, फिर हाँ उसको तोलो, फिर उसको वायरल करो, बिल्कुल। ठीक है। चलो एक ने कर दी तो चैनल तो काफी है ना, मीडिया आजकल सोशल मीडिया चल रही है। जो आदमी आ रहा वो यहाँ बढ़िया खाना है, अरे तुमने देखा ही कहा बढ़िया खाना खाना यार, वैसे ही आ करके तुम उसे आदमी आ रहा किराया भाड़ा लगा करके आ रहा, पागल हो रहा है। ये सारी कहानी तो ये बाबा पता भी यही पूछ रहे हैं, बाबा ये हुआ कैसे, ऐसे कैसे होगा। अरे और तो कुछ पूछो यार बाबा से, अड़ोसी पड़ोसी से पूछो, मार्केट में घूमो, तो सच्चाई है तब जा करके उस चीज को करो। बाबा 200-250 रुपए की दाल भी जाता है, आपने पूछा भी होगा कहीं, मेरे को मत पूछो, आपने और भी पूछा होगा कहीं, तो वो सारी बात है।
तो बाबा जी दारू? नहीं नहीं पता, कि आप तो बिल्कुल पड़ोस में रहते हो तो आपको बहुत ज्यादा बेहतर पता होगा। तो मतलब बाबा जी रोज दारू पक्का ही पक्का पीते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ बाबू जी, 200 रुपए की दारू डेली पीता है और 25 साल इसको बुढ़िया मारती है, बट एक लड़कियां मारते जाना और दारू ऐसे पीता है। एम सिटी वाले कोई पैसे टेम्पो टेम्पो वाले पेशाब करने जाएगा बाथरूम में तो भाई पेजा तैयार रखते हैं। अच्छा, वो कई बात नहीं है भाई। मुझे तो कोई मतलब नहीं, उसके पैसे दुनिया भर के पास उसके पास आ गया पैसा। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, मतलब जो बात है ये नहीं, मतलब जनता को बेवकूफ बना के पैसे ले, तो जो जनता इनको सिर पे बैठा रही वही जनता इनको इनको वो भी करेगी ना, सिर से उतारेगी भी। वही तो बात है। एमएलए आ रहा है, पार्षद आ रही है, अरे बहन हो रहे हो तुम। तो राजनीति भी चल रही है ना। ये है जी गरीब, उसको रेडियो में रुला दिया आदमी को, 10 रुपए की तो सब्जी नहीं देता, ये बताओ। अच्छा जी, अगर कोई बेचारा 10 रुपए 20 रुपए लेके बाबा 30 रुपए की सब्जी नहीं है तो ये कहानी है। मार्केट में आगे जाओगे हम, कुप कितने सारे कुप, वहाँ से इंटरव्यू लो, सामने मार्केट है वहाँ से लो, सामने वो पुजारी बैठे हैं मंत्र पे उनसे लो, टैक्सी स्टैंड है जब मैं प्रेस करता हूँ, पीछे वो कॉलोनी है, दो चार घर है नजदीक इससे, उनसे बात करो के वास्तव में क्या क्या चीज है भाई। अगर कोई आदमी ये कहते कि हाँ वाह वाह ये कहानी है तो मैं मान जाऊंगा। ये अब देखो मैं पड़ोस में बैठा हूँ, अब क्या है, कोई सुनने को राजी नहीं है लोग। चलो मान सिंह भाई, आते आते हैं कल, ठीक है ना, तो मुलाकात होती फिर है, बात करते हैं इस पर हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय तो आप देखो सामने डॉक्टर की दुकान है, कम से कम ये जो है काफी लोगों से आप बात करो जी, सबकी बात रिकॉर्ड करो, उसके बाद में दोनों सटोलो सामने आगे, इससे इससे आगे कम से कम 15-16 कॉपी बैठे हुए फॉर्म से वाले, उनसे बात करिए क्या स्थिति है, क्या क्या गरीब है, क्या ये ऐसा ठीक है, क्या बताऊंगा। वो तो मैं चलो पता करूंगा। हाँ आप पता करें चुपचाप, इनका मोबाइल नंबर, इनका नाम और ये कहाँ पे ब्लॉक में रहते हैं, उनका एड्रेस, समझ गए, क्योंकि ये स्कैम ना अनपढ़ आदमी नहीं कर सकता, ये सब पढ़े लिखे मिल के इसके साथ में कर रहे हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ पूरा इनका ग्रुप अभी बताइए वहाँ आकर के, तुम्हारा ठीक है, तुम्हारा क्या खाना परोस रहे हो और ये क्या कर रहे हो वहाँ, थोड़ा बहुत तो खाना बनता ही बनता है, फिर और कहीं के बना के ला रहे वहाँ वहाँ बांट रहे खाना। अच्छा, ये कुछ बढ़ गया इनका खाना, दूसरी जगह से ला करके उसको में कितना खाना बनेगा ये बराबर। तो लोग वहाँ आ रहे पागल हो रहे, ढाबा हो गया, कोई बीमारी हो गई, कोई बात नहीं, है कोई फ्रीज दे के जा रहा है, कोई फलानी चीज दे के जा रहा है, कोई ठिकानी चीज दे के जा रहा है, तो ये कंपनी वाले पागल हो रहे हैं। वो जो बोर्ड लगाने के पैसे ले रहा है, अच्छा, एक बोर्ड को 2 घंटे में देता है। अच्छा, जैसे वीडियो वायरल कर लिया लड़का, बोर्ड लगाने के पैसे ले रहा है, बताओ क्या कंपनी वालों से। अच्छा, कहानी चल रही है। चल ठीक है, मानसिंह भाई पता क्या, मैं सबसे पूछताछ करता हूँ बस आपके लिए, छोटा सा ही काम ना, कि इन लड़कों के नाम और फोन नंबर और एड्रेस इनका एक बार मिल जाए, ठीक है। चलो मैं कल कोशिश करूँगा।